राजधानी दिल्ली से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां दमकल विभाग की गाड़ी के नीचे एक महिला आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद घटना स्थल पर हलचल मच गई। मामला मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया रोड नंबर 316 NDPL ऑफिस के पास का है। बताया जा रहा है कि महिला रोड क्रॉस कर रही थी और दमकल का ड्राइवर गाड़ी को पीछे ले रहा था। हालांकि गाड़ी धीमी गति पर थी, लेकिन ड्राइवर ने हॉर्न नहीं दिया। ये जो घटना घटी उस समय आप मौजूद थे क्या? हां जी, मैं उतरने का था पकड़े यहां से। पूरा माजरा क्या था, गलती किसकी थी? गलती है, पहली बात तो इसकी ड्राइवर गलती है थी, इसने कोई हॉर्न नहीं दिया किसी को, और इस लेडीज ने हाथ कर दी खड़ा, फिर मुझे हाथ दिया इस हॉर्न ने, फिर इसने ड्राइवर ने देखा, इसलिए भी अगले पीछे कुचल गए, इसलिए जान चढ़ाए थे इसने। तो ये जो महिला है इसको आप जानते हैं? नहीं जी। कितनी उम्र होगी इस महिला की? इसकी उम्र 40 साल से ऊपर है। जब ये एक्सीडेंट हुआ उस समय स्पीड कितनी होगी गाड़ी की? गाड़ी की स्पीड होगी 30, गाड़ी स्लो थी, जाती नहीं थी, जल्दी से आई, हॉर्न नहीं था। पवन कुमार जी, क्या हादसा हुआ था? हादसा हुआ था, एक कार आगे पहले एक्सीडेंट हो चुका था, उधर से ये गाड़ी आ रही, उधर से लेडीज आ रही, पार रोड पार कर रही थी, लेडीज निकल रही, गाड़ी स्लो थी है, जब तक मैं गाड़ी पास पहुंचा तब तक वो गाड़ी के पहिए नीचे गाड़ी औरत आ गई थी, फिर सब लोग उतरे, ड्राइवर उतरे, उन्होंने चेक किया, 15 मिनट रुके हैं, उन्होंने पुलिस बुलाई है, उसके बाद वो लोग यहाँ से गए हुए हैं। गाड़ी बिल्कुल स्लो गाड़ी थी, ये मंगलपुरी एनडीपीएल, ये ट्यूबलेट लगता है। जो लड़की लेडीज जो दबी हुई है, क्या मतलब क्या सी इसकी हालत को पता चला? अब पता लगा, वो देखा जाके उसकी मौत हो गई थी। कितनी उम्र होगी? 30-35 साल उम्र होगी इसकी। अभी तक महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल राजपार्क थाना पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है, जो मामले की जांच कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल यात्री की रिपोर्ट, दिल्ली।